दिल्ली को हमने सजाई थी, कांग्रेस ने दिल्ली बनाई थी, दिल्ली को हमने सजाई थी, कांग्रेस ने दिल्ली बनाई थी। सीने में धड़कती है दिल्ली, रग 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 में बहती है दिल्ली, रग 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 में बहती है दिल्ली। मैं 8 तारीख के लिए एक बात जनता से कहना चाहती हूँ कि किसी के बहकावे में ना आए और अपने जो विकास कर सकते हैं हमारे क्षेत्र के अंदर, पहले अपने क्षेत्र का सोचिए, जो हमारे क्षेत्र के अंदर विकास कर सकते हैं वो सिर्फ विपिन शर्मा ही कर सकते हैं, जिनको जिन्होंने पहले जब से जन्म लिया है यही देखा है। उनके फादर थे स्वर्गीय राम बाबू शर्मा जी, उन्होंने काम किए हैं और उनके उन्हीं के कदमों पे चलते हुए आज विपिन शर्मा जी इस क्षेत्र में इसीलिए उतरे हैं कि मैं उनका नाम चलाऊं। जिस तरह से उन्होंने काम किए मैं भी उसी तरह से, वो सिर्फ काम करने के लिए आए हैं। और मैं तो जनता से यही कहना चाहती हूँ कि 8 तारीख को हाथ का बटन दबाएं, 2 नंबर दबाएं और विपिन शर्मा को ही जिताएं, जो अगर आप चाहते हैं अपने क्षेत्र का विकास हो। वरना तो आप देख लीजिए 6.5 साल हो गए हैं, 1.5 साल दूसरी भाजपा पार्टी भी रही है और आपके आप पार्टी भी रही है, कोई विकास जो राम बाबू शर्मा जी ने और जो विपिन शर्मा जी ने छोड़े थे वो जो के तो ही हैं। आप सिर्फ एक थोड़ा झाड़ू लग गई, नालियां बन गई, इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ है। जनता इतनी परेशान है, हर आदमी परेशान है, काम धंधे से परेशान है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अपने अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, पहले आप अपना क्षेत्र देखिए उसके बाद बाहर देखिए। क्षेत्र का विकास सिर्फ विपिन शर्मा ही करा सकते हैं और कोई विकास करेगा नहीं। कल आप पछताएंगे, जैसे आप पहले पछता रहे हो, आप दोबारा मत पछताना और 8 तारीख को 2 बटन दबाना, विपिन शर्मा को ही जिताना। दिल्ली मेरी शान है, दिल्ली दिल्ली मेरी जान है, फिर से कांग्रेस वाली दिल्ली, फिर से कांग्रेस वाली दिल्ली, दिल्ली मेरी शान है, दिल्ली दिल्ली मेरी जान है, फिर से कांग्रेस वाली दिल्ली, फिर से कांग्रेस वाली दिल्ली।